Hello 10th class students, welcome to your channel Pioneer Institute 171983. Students, today we have a topic for you in chapter 3, cross multiplication method. The last three methods we have provided you our previous videos. So those students wants to see the previous videos, then see the description. We have provided you the link of the last videos there, and you click there and proceed to the last videos. So today start next method, cross multiplication method. Students, we have two equation. One is 2x minus y is equal to 3, and second is x plus y is equal to 3. So we have a short method, cross multiplication method. It is too short in the comparison of other methods. I will provide you the simple way of this method, but in NCERT book you have some different. इस तरह से आपको first x upon equal to y upon equal to 1 upon लिखना है, और यहाँ y पर आपको minus का sign लगाना है. But in NCERT book you have no negative sign. अब आपको क्या करना है? आपका जो formula है, इस equal को आपको पहले इस side लेके आना है. तो अगर इधर plus 3 है, इसको आप transpose करेंगे इस side, तो ये minus का हो जाएगा और equal में आ जाएगा आपका 0. वैसे इस 3 को जब इस साइड में आप लेके आएंगे LHS में, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू में हो जाएगा आपको 0. तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आपको इक्वल टू में 0 प्रिपेयर करना है, आपको बनाना है. अब नेक्स्ट मेथड क्या है? आपको x फाइंड करना है कि x के नीचे आपको क्या फिल करना है. तो आप x को हाइड करेंगे और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी है. पहले आपको ऊपर से नीचे ही मल्टीप्लाई करनी है, बाद में आपको नीचे से ऊपर करनी है जो बच जाएगी. जैसे आपको x निकालना है, तो पहले आप x वाली टर्म दोनों हाइड करेंगे, और इस तरह से आपके पास दो टर्म बचती हैं, इनकी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी है. पहले ऊपर से नीचे, इस तरह से फर्स्ट टू लास्ट, उसके बाद बीच में माइनस लगा के इधर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करनी है. मल्टीप्लाई आपको सिर्फ कोएफिशिएंट्स की करनी है. तो चलिए करते हैं, x को हाइड किया, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे आप कोएफिशिएंट्स की. यहां है आपका माइनस 1, कुछ नहीं होता तो माइनस 1 कोएफिशिएंट है. ये माइनस 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3. बीच में आपको सभी में इस तरह से पहले ही माइनस लगा देना है. अब आपका यहाँ 3 आ गया. अब x तो हाइड है, अब आपको यहाँ नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है. तो प्लस 1 की माइनस 3 से आपका माइनस 3 मल्टीप्लाई करना है. फिर आपको y फाइंड करना है, तो y को टर्म को हाइड करना है, और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ. अब y आपका हाइड है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है. तो माइनस 3 की 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, और यहाँ आपकी 1 की माइनस 3 से वो भी माइनस 3. अब आपको कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है, तो कांस्टेंट टर्म को आप हाइड करेंगे और क्रॉस आप मल्टीप्लाई करेंगे. 2 बन जा 2, और यहाँ माइनस 1 की प्लस 1 की माइनस 1 से माइनस 1. तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. मेन यहीं पे प्रॉब्लम आती है, किस तरह से मल्टीप्लाई करें. बुक में यहाँ माइनस नहीं है, तो ये वाली टर्म पहले और ये बाद में है, वो आपको कंफ्यूज्ड कर सकती है. ठीक है, बुक में क्या है? बुक में आपको इस तरह से करना है, पहले फर्स्ट x वाले में पहले ऊपर से नीचे, फिर y वाले में नीचे से ऊपर पहले करना है, और फिर कांस्टेंट में ऊपर से नीचे आपको पहले करना है, फिर नीचे से ऊपर. तो कंफ्यूज्ड है कुछ, तो सिंपली आप एक माइनस का साइन लगाएं
और आपका सिस्टम बन जाएगा कि आपका हमेशा ऊपर से नीचे ही पहले मल्टीप्लाई करनी है, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, इसलिए माइनस का साइन लगाना है जरूरी है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं एक्स अपॉन 3+3 माइनस माइनस प्लस या माइनस वाई, ये -6 और ये +3 माइनस माइनस +3, तो -6 + 3 ये 1/2 + 1 हो जाएगा x upon 6 minus y upon minus 3 1 upon 3। तो इस तरह से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x के इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म लिखनी है, आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y के इक्वल टू में आपको 1 upon 3 लिखना है। तो हम पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x upon 6 इक्वल टू में लिखेंगे हम 1 upon 3, ये स्टेप हम ले लिया। तो यहाँ पर आप 6 यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/3, 3 × 2 = 6, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब आपको निकालना है y की वैल्यू, तो इसको इसके इक्वल लिखेंगे, तो y/3 = 1/3, तो y की वैल्यू 3 वहाँ चला जाएगा, तो 3/3, तो y की वैल्यू 1। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। आपको जब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को कांस्टेंट के इक्वल और y को कांस्टेंट के इक्वल दो बार में आपको अलग अलग लेना है और आपकी दो वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे कि आवर सॉल्यूशन इज राइट और नॉट। किसी भी एक इक्वेशन में इसको आप रख दें, सॉल्व कर लें, हम सेकंड में रख रहे हैं चेकिंग के लिए। तो 2+1 - 3 = 0, 3 - 3 = 0, तो 0 = 0। देखिए वेरी बैड, इट मींस जो हमारा आंसर है, जो हमने वैल्यूज फाइंड की है एक्स और वाई की, वो हमारी राइट है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज आपके ये 4 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट मेथड था आपका फर्स्ट वीडियो में ग्राफिकल, सेकंड मेथड था आपका सेकंड वीडियोस में एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मेथड था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड इन थर्ड वीडियोस, और ये आज है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस फुल चैप्टर 3 में जो मेथड्स आपको सॉल्व करने हैं, वो चारों के मेथड हम आपको सिखा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे, जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं उनको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उनका सॉल्यूशन भी आपको स्पेशली प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बने रहें आप अपने डियर सचिन सर के साथ इन योर पायनियर इंस्टीट्यूट 171983 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसकी प्रैक्टिस करते रहें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करके सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में लिखें अपना नेम, और जो फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है या कंटिन्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग विद योर सचिन सर।